सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है ये होने वाला है कि डिलीवरी के बाद में जो आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं इसको आप कैसे कम कर सकते हैं और ये किस वजह से होता है ये भी हम बात करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें भी क्या इतना ही वेट गेन होता है फीमेल में डिलीवरी के बाद में, या फिर जो सिजेरियन होता है जो ऑपरेशन के थ्रू होता है, ठीक है, डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन में क्या वेट बढ़ता है और किस वजह से बढ़ता है, इस चीज को समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखना जिससे कि आप डिलीवरी के बाद में आप वेट को ऐसे कम कर सकते हैं, क्या आपके डेली रूटीन रहेगा, क्या आपको जिम जाना जरूरी रहेगा, क्या आपको डाइट लेनी है, क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिलीवरी के बाद में क्यों हमारा वेट गेन हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि डिलीवरी के बाद में क्या होता है, कई सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं डिलीवरी के टाइम पे भी और डिलीवरी के बाद भी कई सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो जो वेट गेन वाला सीन होता है ना, ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है, हर किसी के साथ होता है, तो ये नेचुरल है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि डिलीवरी अगर आपकी नॉर्मल हुई है तो उस कंडीशन में इतना ज्यादा आपका वेट गेन नहीं होता है कंपेयर टू सीजेरियन। अगर आपको ऑपरेशन के थ्रू बेबी हुआ है, अगर आपने ऑपरेशन करके डिलीवरी हुई आपकी, तो उस कंडीशन में वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि हैवी डोज की मेडिसिन चलती है, ठीक है, क्योंकि सीजेरियन हुआ है तो उसको हील करने के लिए कई सारी मेडिसिन वहां पे चलती है, कुछ वीक चलती है, कुछ महीने भी मेडिसिन लेनी पड़ जाती है। तो ये मेडिसिन के थ्रू भी वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब वेट गेन तो हो गया, एक्चुअल में क्या होता है डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद में जो हमारे यूट्रस का जो साइज होता है ना, ठीक है, जो यूट्रस का साइज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और डिलीवरी के बाद भी ये बढ़ता रहता है। तो हमें ये क्या करना चाहिए, जब इसीलिए वो जो बेली फैट और जो टायर निकल जाते हैं ना, इसी वजह से निकलते हैं। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी डाइट को। डिलीवरी के बाद में थोड़ी सी अपनी डाइट को कंट्रोल करें, हेल्दी प्रोटीन डाइट लें, ठीक है, बैड फैट या बाहर का चटरपटर खाना टोटल बंद कर दें। मन तो करता है खाने का लेकिन यार थोड़ा सा तो कम करने की जरूरत है। तो बाहर के ऑयली फूड, जंक फूड और जो प्रोसेस फूड है, डीप फ्राई फूड है, इनको तो बिल्कुल ही बंद कर दें। हेल्दी डाइट लें, सबसे पहले आपको खाने वेजिटेबल्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, ठीक है, नट्स खाइए, इस तरीके से जो भी हेल्दी वे में जो प्रोटीन वगैरह है इनको आप लीजिए, दूध दही मक्खन घी इस तरीके से आप चीजें खाइए, अंडे खाइए अगर आप नॉनवेज हैं, अगर आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन इस तरीके से आप अपने फूड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, आप अंडे खाइए, दूध दही पनीर इस तरीके से आप ये छाछ इस तरीके से हेल्दी डाइट लीजिए। इसी के साथ में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें एक बार, और उसके बाद में अगर आपकी देखिए नॉर्मल डिलीवरी हुई तो उस कंडीशन में तो फिर आप एक महीने बाद ही जिम स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। जिम का तो नहीं, वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आप कितना फिट हैं, आप जा सकते हैं या नहीं, लेकिन एक महीने के बाद आप नॉर्मली वर्कआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। लेकिन अगर आपका सीजरन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर आप कम से कम आपको 2-3 महीने तो लेने चाहिए। नॉर्मल आप वर्कआउट कर सकते हैं बॉडी वेट घर में थोड़ा बहुत, लेकिन अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें, देन उसके बाद में डिलीवरी के बाद में 2-3 महीने बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज डिपेंड्स, वहां पे जो ट्रेनर है उनसे बात करें, ठीक है, अच्छे से, और फिर आप वर्कआउट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डाइट अच्छी रखिए, रूटीन अच्छा रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिलीवरी के बाद में आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, बाहर का मत खाइए, एक्सरसाइज करिए, नींद प्रॉपर तरीके से लेना है। अगर आप मैं मानता हूं ये चीज बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार छोटा बेबी है, रात में बार बार उठाता है, बार बार उठना पड़ता है, केयरिंग उसका जो भी चीजें होती है वो सब देखना होता है, तो इस कंडीशन में होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा नींद लें, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन होगा और आप अच्छा हेल्दी फील करेंगे, आप गुड फील करेंगे। पानी आपको ज्यादा पीना है, ज्यादा लाइक कि आपको अच्छा पानी पीना है ना, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, और डाइट अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज करिए, तो आप देखेंगे कि ये जो फैट होता है ना, जो सीजरन के थ्रू जो डिलीवरी होती है उस कंडीशन में जो हैवी मेडिसिन चलती है, इससे जो लीवर होता है ना हमारा बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, लीवर थोड़ा सा वीक हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेडिसिन का कहीं ना कहीं असर तो लीवर में पड़ता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, मेडिसिन के थ्रू जो बड़ा वेट होता है ना ये थोड़ा स्लो जाता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। फिर भी आप अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के साथ में आप पर वीक आप 0.5 किलो वेट आराम से लॉस कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से रूटीन ऐड करते हैं। तो बस ये वीडियो इसी में था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते, शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करते, इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।